हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टीन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज 4-4 पोर्टल है और आज का पूरा दिन बहुत प्रभावशाली है, इसलिए पॉजिटिव रहिए, निगेटिविटी से बचिए। अधिकांश समय ध्यान, साधना, मेडिटेशन और डिवाइन की प्रेजेंस में रहिए, ताकि आप अपने विशेष को मैनिफेस्ट कर सके। और मेरी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, आप अपने विशेष मैनिफेस्ट कर सके। तो प्रियो, आइए चलते हैं आज के विषय पर कि बहुत से लोगों ने ये पूछा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी का अंत क्या है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो जिस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी 8 पड़ाव में चलती है, इसमें 8 स्टेजेस होते हैं, यूनियन से लेकर रीयूनियन तक। और इस यात्रा में जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो महसूस करते हैं, उसके आधार पर आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर आपकी ये जर्नी पूरी होती है। पर वास्तव में वो अंत कहाँ है, इस जर्नी का एंड क्या है। ट्विन फ्लेम्स जब भी इस धरती पर आते हैं, उनका यूनियन होता है, उसके बाद जब उनका सेपरेशन हो जाता है, तो उनके मन में आखिरी समय तक सिर्फ एक ही भाव होता है कि कैसे भी करके मेरे ट्विन से एक बार मेरा मिलना हो जाए। काश कि उस प्रेम को वो समझ जाए, इस कनेक्शन को समझ जाए, जिस प्रकार मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जाना हूँ या जानी हूँ, उसी प्रकार वो भी इसे जान जाए। क्योंकि जब तक एक इंसान ब्लॉक है, यानी कि जब तक सामने वाला भाग रहा है, उसने उसे कमिटमेंट नहीं दिया, उसने इस प्रेम को समझा नहीं और चला गया, तब तक वो इंसान जो अकेला रह जाता है, वो यही सोचता है कि काश इस जर्नी के विषय में उसे भी पता होता। और वो हमेशा ये सोचता है कि आखिर ये जर्नी कब पूरी होगी, क्या ऐसा पड़ाव कभी आएगा जब मेरे ट्विन से मेरा मिलना होगा, वो इस प्रेम को स्वीकार करेगा, क्या इसे मानेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर ट्विन ये बात जरूर चाहता है, उसकी भावना जरूर यही होती है कि इस प्रेम को, इस कनेक्शन को, इस दिव्य यात्रा को सामने वाला समझ जाए। लेकिन यही तो ये जर्नी है कि जब तक वो इंसान जो भाग रहा है इस जर्नी को नहीं समझेगा, इस कनेक्शन को नहीं मानेगा, इस प्यार को नहीं जानेगा, तब तक वो आपके समक्ष इस प्रेम को स्वीकार करेगा ही नहीं। और इसी के लिए आपको साधना करनी पड़ती है। जब आपको ये पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और इसे पूरा करने के लिए आपको इनर वर्क, ध्यान, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी आपकी ये जर्नी पूरी होगी, तो आप उसमें लग जाते हैं। पर कभी कभी थक जाते हैं और यही सोचते हैं कि आखिर हम कब तक ये करते रहेंगे, आखिर कब ये जर्नी पूरी होगी, कब हमारे ट्विन से हमारा रीयूनियन होगा, ये प्रश्न हर एक के दिमाग में आता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि इस जर्नी को पूरा करने का जो रास्ता है वो बहुत सरल है। हालांकि आपको वो रास्ता बहुत कठिन लगता है, लेकिन यदि आपने इसे अच्छे से समझ लिया, जान लिया, तो आपकी ये जर्नी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो प्रारंभ है वही अंत है, और जो अंत है वही प्रारंभ है, क्योंकि प्रारंभ और अंत दोनों एक ही हैं।
ये ट्विन फ्लेम जर्नी प्रेम की दिव्य यात्रा क्यों कही जाती है? शिव शक्ति और राधे कृष्ण का नाम इनसे क्यों जुड़ा हुआ है? ये ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी क्यों है? क्योंकि ये आपको मोक्ष तक पहुंचाती है और उसमें आपका ट्विन सबसे बड़ा रोल अदा करता है। उसके ही ट्रिगर करने से, उसके ही हर्ट करने से आपकी अवेकनिंग होती है और आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये स्थिति बहुत ज़्यादा पेनफुल ही होती है, विशेषकर डीएफ के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ से निकल पाते हैं और जो लोग नहीं निकल पाते उनकी जर्नी स्टक हो जाती है। ये एक ऐसा कारावास है जहाँ पर यदि आप हमेशा के लिए रह गए तो ये एक आजीवन कारावास बन जाता है, जहाँ पर सिर्फ अंधेरा है, दुख है, तकलीफ है, अकेलापन है। लेकिन यहाँ से निकलने का रास्ता आपको ही बनाना है। आप अपने ऊपर काम करके ही यहाँ से निकल सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर। मैंने क्यों कहा कि प्रारंभ ही अंत है? क्योंकि डिवाइन ऑलमाइटी गॉड, खुदा, परम प्रधान ईश्वर, वो सुप्रीम पावर, वो प्रारंभ भी है और अंत भी। वही आदि है, वही अनंत है और वही अनकंडीशनिंग लव है। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम और ईश्वर को ना तो किसी ने देखा ना किसी ने छुआ, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये एक एहसास है। हम इसे कब देखते हैं? जब हम इसे महसूस करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम इसे महसूस करते हैं तो हम इसमें जीते हैं। उस वक्त दो नहीं होता, उस वक्त एक ही होता है। हम ईश्वर में होते हैं और ईश्वर हम में होता है। जब हम प्रेम के भाव में होते हैं, जब हम अनकंडीशनिंग लव में होते हैं, तो हम ईश्वर के स्वभाव में होते हैं। और यही वो प्रारंभ है जब हमारे ट्विन से हमारा यूनियन होता है, जब हम उससे पहली बार मिलते हैं। तो अंत क्या है? जब आप उसी प्रेम के स्वभाव में, उसी अनकंडीशनिंग लव में फिर से आ जाते हैं, तब आपके ट्विन से एक बार फिर से आपका मिलना होता है, यानी कि आपका उनसे रीयूनियन होता है। तो सिंपल सी बात है, जो आप प्रारंभ में थे, जिस प्रेम के स्वभाव में आप थे, उसी प्रेम के स्वभाव में आपको फिर से आना है। तो जब आप फिर से उसी प्रेम के स्वभाव में आ जाते हैं, तो उस वक्त आपके ट्विन से आपका 5D में रियूनियन होता है और उसके बाद 3D में भी होता है। तो यहाँ पर प्रारंभ से लेकर अंत के बीच में जो भी कार्य आप खुद पर करते हैं, उसमें सबसे पहले यही है कि अपने ट्विन को क्षमा करना है। उन्होंने जो भी कहा या जो भी व्यवहार किया, उन बातों को अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि ये जर्नी एक डिवाइन जर्नी है, डिवाइन प्लान से चलने वाली जर्नी है और जो कुछ होता है वो डिवाइन प्लान से ही होता है। तो जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए उन्हें क्षमा करो और पूरी रीति से मूव ऑन करो और खुद पर फोकस करो और अपनी जर्नी को पूरा करने में लग जाओ। इसके लिए आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, खुद पर काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क करना है और अपने मन को पूरी रीति से शांत करना है। उस वक्त जब आप खुद पर फोकस करेंगे और साधना में लग जाएंगे तो आपकी एनर्जी सेव होने लगेगी। पर उस दौरान आपको आपके ट्विन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये एक एनर्जी का गेम है,
जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचेंगे, उनकी फ़ोटो, उनकी डीपी स्टेटस देखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी उनको मिलती जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि खुद पर फोकस कीजिए, अपना ध्यान खुद पर लगाइए और खुद को कंप्लीट करने में लग जाइए। और जिस दिन आप अपने भीतर के उन सारे वुंड्स को, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस, उन सब को क्लियर कर लेते हैं, तो आप पूरी रीति से नए हो जाते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा परिवर्तन जो आपके भीतर होता है, जिसकी वजह से आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं, एक नया रूप जो आपका होता है, और तब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है। आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, तब आपके ट्विन से 5D में आपकी सोल मर्जिंग होती है, और उसके बाद ही 3D में आपका एक बार फिर से मिलना होता है। आपका जो नया रूप है वो अब अपने ट्विन से शिकायत नहीं करता, उसे डिमांड नहीं करता, उसे कमिटमेंट नहीं मांगता, वो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करता है, और यही अनकंडीशनिंग लव है। याद रखिए, जिस दिन आप प्रेम के स्वभाव से बाहर आ गए, जब प्रेम में मिलावट आ गई, जब प्रेम के बदले में आप उनसे प्रेम मांगने लगे, तो प्रेम का स्वभाव बदल जाता है। यदि शर्त है, समझौता है, मांग है, तो वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो प्रेम को उसी स्वभाव में रहने दो, और जिस दिन आप प्रेम के उसी स्वभाव में आ जाते हैं, तो उस दिन आपके ट्विन से एक बार फिर से आपका मिलना होता है। और डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप अपने ट्विन से मिलाए जाए, क्योंकि यदि ट्विन इस धरती पर आए हैं तो इसलिए आए हैं ताकि वो रीयूनियन में आए और दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व कर सके, क्योंकि ये डिवाइन की योजना है, प्लान है। तो इस जर्नी को पूरा करने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो बहुत ही आसान है, और वो प्रेम ही है। आपको प्रेम बनना है। जो आप प्रारंभ में थे वही स्वभाव आपको एक बार फिर से वापस लाना है। याद करिए, जब आप अपने ट्विन से मिले थे तो अनकंडीशनिंग लव में थे, प्रेम के भाव में थे, लेकिन जब आप दोनों पिछड़े तो प्रेम का स्वभाव बदल चुका था। लेकिन एक बार फिर से जब आप उसी प्रेम के भाव में आ जाते हैं, तो फिर से आपके ट्विन से आपका मिलना होता है। तो प्रेम बन जाइए। जिस दिन प्रेम को समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, प्रेम बन गए, उस दिन अपने प्रेम को अपने जीवन में आप आकर्षित करेंगे, वो खुद ब खुद वापस आएगा। तो प्रियो, यही रहस्य है इस जर्नी का, और ये रास्ता भी बहुत आसान है। हालांकि ये लगता बहुत कठिन है, लेकिन यदि आपने प्रेम को समझ लिया तो समझ जाना कि आपकी ये जर्नी पूरी हो गई। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।